नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा और ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी के लिए आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक का। और मैंने आपको बोला था 20 वीडियो में 20 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और पूरा बुक आपका कवर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, सर आप 40 क्वेश्चन कराना, सर 50 क्वेश्चन मिनिमम कराइए। देखो मैं अपने तरफ से प्रश्नों को नहीं करा रहा हूँ, आपने देखा मैंने 81 क्वेश्चंस का एक वीडियो कराया। ये बुक ऐसा है जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे चैप्टर्स आने वाले जिसमें 150 से ज्यादा भी प्रश्न आपको मिलेंगे, 200 भी प्रश्न एक वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और एक काम जरूर करिए कि जो भी वीडियो में पढ़ा रहा हूं वन लाइनर नोट्स बना के खुद का नोट्स बनाते रहिए रिवीजन के लिए। और कोशिश करिए वीडियो को एक बार नहीं दो बार देख के वीडियो में ही याद करने की। और नोट्स इसलिए कि एग्जाम से एक दिन पहले आपका नोट्स तेजी से रिवीजन करने में आपका मदद करेगा। और एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र को हम करने वाले हैं, ठीक है। और उत्सर्जन तंत्र में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन है जो हम करेंगे, 24 से 25 ही क्वेश्चन बुक में दिया था तो उसी को हम करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम सारा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और पांचवें वीडियो पर हम चले आए हैं, आप लोगों की डिमांड थी फिजिक्स की, तो मंडे से मैं कोशिश करूंगा फिजिक्स भी आपका स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, नीचे जाके सब्सक्राइब करो। और कम से कम कोशिश करो, आप लोग कुछ नहीं करो तो 5 लोग को वीडियो शेयर जरूर करो, ठीक है। साथ में रेलवे की बेस्ट स्टडी के लिए हमारी पीडीएफ चल रही है, करंट अफेयर्स, बाकी एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को करंट अफेयर में संशय है, प्रॉब्लम है, वो करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा 56 टॉपिक दिया गया है, साथ में मंथली वाइज ये दिया गया है, ठीक है। अलग अलग 221 पेज का पीडीएफ है और यहाँ पे जनरल साइंस की पीडीएफ है और स्टैटिक जीके की पीडीएफ है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ रुकी हुई है वीडियो, और पीडीएफ तो आप जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों को वीडियो की डिमांड रहती है, तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट मंडे से। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपका कीट का उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी मतलब क्या होता है इसका इंग्लिश में बताना चाहूंगा, एक्सक्रिएशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन इसका उत्सर्जी पदार्थ है कीट का। कीट क्या उत्सर्जी करता है, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मनुष्य का भी होता है आप जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, एलेनिज होता है, या यूरिक एसिड होता है, या अमोनिया होता है। तो कीट का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो कीट यूरिक एसिड, क्या बोला मैंने, जो कीट यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटिलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक, तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा यूरिकोटेलिक। किसको बोलते हैं, जो कीट यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अब अगर जो आपसे पूछे वैसे जीव जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, आप जानते हैं मनुष्य जो होते हैं स्तनधारी वर्ग के, वो यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो आपसे पूछे कि यूरिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जित कौन करता है, तो आप कह सकते हो स्तनधारी जीव होते हैं, जो जीव होते हैं मनुष्य होता है वो भी यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करता है। तो मैंने आपको बोला जो यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं उसे यूरिकेटोलिक बोलते हैं, और जो यूरिया उत्सर्जित करता उसे बोलते हैं यूरियोटोलिक, ठीक है, यूरियोटोलिक। ये हो गया। और एक आता है, अगर जो आपसे पूछे वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालता है तो उसे बोलते हैं अमोनियोटोलिक, ठीक है, अमोनियोटोलिक। याद नहीं करना आपको, यूरिक एसिड निकालता है तो यूरिकोटोलिक, यूरिया निकालता है तो यूरियोटोलिक, अमोनिया निकालता है तो अमोनियाटोलिक। नाम से 2-3 बार पढ़ लो खुद याद हो जाएगा। तो जो यूरिक एसिड निकालता है वैसे को कहते हैं कीट उत्सर्जी पदार्थ। देखो इनका कीट, जो कीट होते हैं उनके उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होते हैं, ठीक है। और जो स्तनधारी वर्ग के होते हैं उनका यूरिया होता है, और ये जो अमोनियाटोलिक होते हैं इनमें आपके अमीबा आ जाते हैं, हाइड्रा आ जाते हैं, मछली भी आपका अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करता है, ठीक है। और बात करें कीट में, कीट का आप ध्यान रखिएगा, एग्जांपल छिपकली हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चले, सभी कीट कैसे होते हैं,
सभी कीट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया था तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सभी कीट क्या उत्सर्जित करते हैं, तो कहोगे सभी कीट यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। तो जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिकोटोलिक। यूरिकोटोलिक यानी कि यूरियोटोलिक, ठीक है, यूरिकोटोलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटोलिक बोलते हैं, यूरिकोटोलिक ये लिख है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, उत्सर्जन की इकाई क्या होती है ये बताना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है आपसे। पूछे देखो आपसे पूछे उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन की इकाई आपसे पूछे कि जो किडनी होती है, किडनी या वृक्क या गुर्दा की इकाई, तो आप क्या कहोगे, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। ध्यान रखना उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन की इकाई, एक्सक्रिएशन की इकाई, या पूछे आपसे गुर्दा की इकाई या किडनी की इकाई, तो आप ध्यान रखना हमेशा नेफ्रॉन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन होता है, ठीक है। आपसे पूछे ये न्यूरॉन दिया, न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, ठीक है। तो उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, ठीक। आगे चले वृक्क की खराबी, वृक्क मतलब किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब आपका किडनी खराब होता है तो यूरिया की मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया, क्या बोलते हैं, यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। और मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, किडनी ही होती है, ध्यान रखिएगा, वृक्क होती है, किडनी होती है। आगे चले पक्षी कैसे होते हैं, अब देखो आया ना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेन किया था पक्षी कैसे होते हैं, पक्षी का उत्सर्जी अंग क्या होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो मैंने बताया था आपका पक्षी भी आपका यूरिक एसिड क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यूरिकोटोलिक, यूरिकोटोलिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मैं फिर से बोलता हूँ, जो पक्षी होते हैं, पक्षी हो गया, कीट हो गया, सरीसृप वर्ग के जो प्राणी आते हैं जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। और अगर जो हम बात करें स्तनधारी वर्ग के, तो इनका यूरिया होता है, और बात करें जो अमोनिया किसका होता है, तो अमीबा हो गया, मछली हो गया, हाइड्रा होगा, इसका अमीबा होता है, तो इसका यूरिकोटोलिक राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पहले आया है और इसी सेशन में आया, इसी बुक की सीरीज में, तो मैंने बोला था कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट मनुष्य के वृक्क में, मनुष्य के किडनी में जब भी पथरी होती है तो उसका कारण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा, हाँ, वृक्क में पेल्विस व ऑक्सलेट के लबड़ों के क्रिस्टलों के कारण मनुष्य के वृक्क में, मनुष्य के किडनी में क्या होती है, पथरी होती है, स्टोन होती है। आगे चले क्वेश्चन नंबर सात की बात करें, किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। अपोहन या डायलिसिस, हिंदी में अपोहन बोलते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। देखो किडनी जब खराब होती है, किडनी या गुर्दा की बात करें, मनुष्य का जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम करता है, उसको छानने का काम करता है। अब आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका ब्लड शुद्ध नहीं हो पाएगा, तो क्या जरूरत पड़ेगी कि आपके ब्लड को किडनी के बाहर शुद्ध किया जाए, तो उसके लिए अपोहन की प्रक्रिया की जाती है, डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। इसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा है, तो परासरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, परासरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के हिसाब से परासरण का प्रयोग किया जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया में, ठीक। आगे चले मानव शरीर में वृक्क या किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है, किडनी या वृक्क या गुर्दा, तीनों एक ही नाम है, किस प्रणाली का भाग है, तो ध्यान रखना इसका मूत्र संबंधी और वारी त्याग मूत्र संबंधी प्रक्रिया या प्रणाली का भाग है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो ट्रेडमिल टेस्ट की बात करें यह आपका हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, तो ट्रेडमिल टेस्ट की जब भी बात करें तो हार्ट से संबंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, गुर्दा या किडनी से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। आगे चले
क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये सबको पता होगा, ये होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। किसके? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। और यूरोक्रोम का निर्माण कब होता है? जब हमारे हीमोग्लोबिन टूटते हैं, हीमोग्लोबिन के टूटने से, विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है, और इसी यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग जो होता है वो पीला होता है। यहाँ पे पित्त दिया है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, जब एनालिसिस किया था तो बोला था गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? आपकी नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी नेफ्रॉन होती है ये आपको बताना है। और किसकी नेफ्रॉन होती है? तो उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन होती है। और यहाँ पे क्या दिया है? न्यूरॉन। न्यूरॉन किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की या नर्वस सिस्टम की। आगे चले, 12 की बात करें, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो ध्यान रखना, हमारे शरीर से जो वसा होती है वो हमें ठंड से भी बचाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और शरीर से उष्मा की क्षति ना हो, ये कम हो, इसके लिए यहाँ पे हम जो वसा होती है ये काम करती है शरीर से उष्मा क्षति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है, अव्यवस्था के साथ है? वृक्क, तो वृक्क की किसके साथ है? तो ध्यान रखना, वृक्क यानी कि किडनी की बात हो रही है। किडनी से किसका संबंध है? आपकी पता, किडनी क्या होगी? खराब होगी, तो क्या किया जाएगा? अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया, किडनी। वेंटिलेटर क्या होता है? जब मनुष्य के लगभग सारे अंग काम करने बंद कर जाते हैं तो मनुष्य को उठा के जीवन रक्षक प्रणाली जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, किसी प्रकार से उसको जिंदा रखा जाता है। ठीक है, वेंटिलेटर हो जाएगा। गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर क्या है? तो पेसमेकर ध्यान रखिएगा ये हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। आगे चलें, 14 की बात करें, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो आहार का महत्वपूर्ण कार्य होता है हमें ऊर्जा मिलती रहे, हमें ऊर्जा प्राप्त करना, तो हम आहार ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। आगे चले, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, ये हरित ग्रंथियां जो पाई जाती है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में ही पाई जाती है, सिर्फ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। अब एग्जांपल कहोगे सर आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना मक्खी आती है आपको आर्थ्रोपोडा में, और टिड्डा आता है, मधुमक्खी आता है, तिलचट्टा आता है, ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और हरित ग्रंथि जो होती है उसका संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन से होता है। आगे चले, 16 की बात करें, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर भी वही होगा जो आप सोच रहे हो, किडनी या गुर्दा। ठीक है, जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, आगे चले, फेफड़ा दिया है, ये फेफड़ा मनुष्य के श्वसन का मुख्य अंग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मानव मूत्र होता है कैसा होता है, ये भी मैंने बताया था। मापक जो होता है पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 7 मतलब उदासीन, जल का पीएच होता है 7, और 7 से कम जिसका भी होता है वो आता अम्लीय होता है, और ये अधिक होता है तो क्षारीय होता है। लेकिन मूत्र के लिए मानव मूत्र जो होता है उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, सोचने वाली बात होता है कि उसको अम्लीय कहें क्षारीय, क्योंकि अगर जो मानव मूत्र की बात करें उसकी पीएच वैल्यू देखेंगे तो 4.8 से लेकर के 8.484 तक होता है। आप कहोगे सर ये तो क्षारीय हो गया 8.4 यानी कि 7 से ज़्यादा, ये तो अम्लीय हो गया, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन जो आंसर कई कई किताबों में मिलता है वो अम्लीय ही मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है पीएच वैल्यू मानव मूत्र का, और अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुकों में मिल जाता है। आगे चलते हैं, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होती है? मेढक की किडनी जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा, अधिवृक्क प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है? तो नेफ्रोलॉजी ध्यान रखिएगा, किडनी का अध्ययन, गुर्दे का अध्ययन या वृक्क का अध्ययन। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, तो इसका संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी से होता है। ठीक है, गुर्दे का अध्ययन इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुर्दे का अध्ययन, किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं।
और अगर जो हम बात करें जो औसत वजन कितना होता है मनुष्य के, जो किडनी होती है, वृक्क होती है, लगभग 140 ग्राम होता है। और नेफ्रॉन को ही हम कार्यात्मक इकाई होती है हमारी, ठीक है, किसकी, वृक्क की। आगे चलें, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण का काम करता, अब मैंने ये भी बताया था आपको, अगर जो वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो गुर्दा, गुर्दा शरीर का जो हमारा अंग होता है वो खून के शुद्धिकरण का काम करता है। जब यही गुर्दा खराब होता है तो ये खून का शुद्धिकरण नहीं कर पाता और इसीलिए जरूरत पड़ती है डायलिसिस प्रक्रिया की, अपोहन प्रक्रिया की, जिससे खून को शुद्धिकरण जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सके। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित, देखो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, मजा आ रहा हो तो लाइक कर दिया करो, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जाना, शेयर कर देना दोस्तों में, कह दो यहाँ पे आओ, आपकी तैयारी साइंस की बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम से पहले। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है, कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है, अब बताओ, यहाँ पे अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं है, ये आपके पथरी का कारण नहीं हो सकता, ठीक, तो यही इसका राइट आंसर होगा, अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कैल्शियम ऑक्सीजेट ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सीजेट दिया है ये आपका वृक्क के जो पथरी होते हैं उसका महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक, पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त सेवन ये कारण हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, तो गुर्दा तो है, अभी मैंने देख रहा, मूत्रवाहिनी आप मूत्र विसर्जित का तो ये भी है, मूत्र मार्ग ये भी है, तो गर्भाशय जो होता है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं ये उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 23 की तरफ, कौन सी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो मूत्रवाहिनी होगा, ठीक है, मूत्रवाहिनी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मूत्रवाहिनी वह मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें आज के सेशन का, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई क्या होती है, तो मनुष्य के गुर्दे की निस्पंदन की इकाई होती है नेफ्रॉन्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, रिपीट होने का मतलब ये आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। एक बात और, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम गुरु, एग्जाम गुरु SUTHII, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको PDF भी यही मिलेगा, वीडियोज के लिंक भी आपको यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। देखिए एक भी क्वेश्चन और बचा नहीं, तो आज का जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट था, आज हमने देखा उत्सर्जन तंत्र के से रिलेटेड आपके 24 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होंगे, लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिएगा, आपको मंडे को मिलेगा, और मंडे को आपका फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और फिर से बोलता हूँ, जो लोग नए हो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन क्लिक करके जाना, और बहुत कुछ करेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।